द्वारका के एक्सप्रेसवे की स्वीकृत कॉस्ट थी 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। मतलब जितने में 2 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना उतने में मंगलयान पहुंच गया, ये सोचिए आप। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत है, ये उनसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि खरगे साहब ने भी ट्वीट करके कहा है द्वारका के एक्सप्रेसवे का कॉस्ट क्या कह रहा है कि 14 गुना ज्यादा है। द्वारका के एक्सप्रेसवे की स्वीकृत कॉस्ट थी 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। मतलब जितने में 2 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना उतने में मंगलयान पहुंच गया, ये सोचिए आप। तो इस तरह से जब पैसा बढ़ता है तो सवाल उठते हैं पैसा क्यों बढ़ा, उसका जवाब कैग को देना पड़ेगा। लेकिन कैग ने सिर्फ एक रिपोर्ट में नहीं कहा है मौसमी जी, कैग ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सवाल उठाया है, कैग ने भारतमाला के 75,000 किलोमीटर की जो सड़क है जिसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ उस पर सवाल उठाया है, कैग ने सवाल उठाया आयुष्मान भारत पे जहां पर 7.5 लाख लोग एक ही नंबर से रजिस्टर हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनको भी पैसा जा रहा है इलाज का, कैग ने सवाल उठाया HAL पे, कैग ने सवाल उठाया जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन्होंने कैसे पेंशन का पैसा एडवर्टाइजमेंट में दे दिया। तो मुझे लगता है कि कैग ने बड़े सवाल उठाए और उन सब सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, आप जैसे जर्नलिस्ट फिर भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जो CAG का नाम सुनकर उछलने लगता था मीडिया, वो मीडिया बिल्कुल शांत है आज CAG का नाम सुनकर। 7 बड़े घोटालों को उजागर किया कैग ने पिछले एक हफ्ते में। अगर देखें जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरह से लागत बढ़ती रही, मिनिस्ट्री का जो एक्सप्लेनर आया है उसमें वो मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये आधुनिक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एज का, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करेगा, गुड़गांव को जोड़ रहा है दिल्ली से और एलिवेटेड प्रोजेक्ट है, तमाम चीज़ें। तो आप जब घर बनाने जाइएगा आपने एक बजट लिया, उस बजट की स्वीकृति हुई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का बजट आ रहा है, उस बजट की स्वीकृति के बाद आपका बनाने का खर्चा 1400% 14 गुना बढ़ जाता है और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेनर मिनिस्ट्री का आया है वो चोर की दाढ़ी में जितना बड़ा तिनका है उसको और दिखाता है। एक्सप्लेनर भारत माला पर भी आना चाहिए, एक्सप्लेनर आयुष्मान भारत पर भी आना चाहिए, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी आना चाहिए, HAL पर भी आना चाहिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय पर भी आना चाहिए। क्या वजह आपको लगती है कि कमीशन खोरी हुई है या खराब तकनीक और प्लानिंग की भेंट से ये लागत बढ़ी है? मुझे ऐसा लगता है कि बड़े धनाढ्यों की ये सरकार है और कमीशन खोरी के अलावा ये कुछ नहीं है। आपने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखा जिन ठेके दारों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उन तक GST का भुगतान हो रहा था। आपने देखा कि सिंचाई विभाग ने ड्यू डिलिजेंस ही नहीं करी। आपने देखा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेंशन का पैसा एडवर्टाइज किया जा रहा है। आपने देखा कि भारतमाला में 15 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था 25 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गया और 75,000 किलोमीटर की सड़क बनी थी उसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला है। इसके बारे में क्या जवाब है? ये 7.5 लाख करोड़ कोई मोदी जी के एक्सचेकर से तो आए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष ने नहीं दिए, ये भारत की जनता का पैसा है जो गरीब गुर्बत और मिडिल क्लास जनता इकट्ठा करती है, चाहे GST देकर चाहे इनकम टैक्स देकर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।